individual about literature. So in this video, we'll discuss the next part of the poem, Sohrab and Rustam by Matthew Arnold. Earlier, we have seen that Farood and Paran Vijay had a little bit conversation where they were talking about single combat. Now, we'll see more things in this part. So start with first line that, as in the country on a morn in June. Jaise ek country mein, morn means morning mein. किसकी मॉर्निंग? जून की मॉर्निंग में जब ड्यू, ड्यू मीन्स ओस, ग्लिस्टर में चमकती है ऑन द पर्ल्ड ईयर्स. कैसे चमक होती है उसमें? जैसे पर्ल की जो ईयरिंग होती है उसमें जितनी चमक होती है वैसे ही वो ड्यू है वो चमकती है. तभी क्या होता है? और शिवर रन्स थ्रू द डीप कॉर्न फॉर जॉय. तभी एक कंपन सा होता है. डीप कॉर्न फॉर जॉय का मीन्स एक हार्ट में एक बहुत खुशी होती है अलग तरीके की. ये किस वजह से होती है? सो वेन दे हर्ड वॉट परान वीजा सेड. सो तभी उन्होंने सुना कि परान वीजा बता रहा है तो उनके अंदर में बहुत ज़्यादा खुशी हुई. क्यों हुई? क्योंकि अब सिंगल कॉम्बैट हो रहा है, उनको बैटल फील्ड में नहीं जाना पड़ेगा. कि कैसे? अ थ्रिल थ्रू ऑल द टाटर स्क्वाड्रॉन्स रेन. थ्रिल मीन्स एक खुशी है वो सभी जो टाटर की जो आर्मी है उसमें फैल गई कि अब क्या होगा, सिंगल कॉम्बैट होगा. और प्राइड एंड होप फॉर सोहराब. और उनको ये भी खुशी थी कि सोहराब है, उसका फेम क्या है, ज़्यादा बढ़ेगा. तो उसकी प्राइड और उसके लिए होप था. किसके लिए? सोहराब के लिए. हुम दे लव्ड, जिनको वो प्यार करते थे. बट एज अ ट्रूप ऑफ पेडलर्स फ्रॉम काबुल. लेकिन जो ट्रूप था किसका? पैडलर मीन्स पैदल सेना का जो ट्रूप था. फ्रॉम काबुल, कहाँ से? काबुल. काबुल क्या है? कैपिटल है अफगानिस्तान की. क्रॉस अंडरनीथ द इंडियन कॉकस, जिन्होंने क्रॉस किया था किसके नीचे से? इंडियन कॉकस. जो किसके बीच में? कॉकस एक माउंटेन है जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में फैला हुआ है. वहाँ से उन्होंने क्रॉस करके वो यहाँ बैटल फील्ड तक आए थे. दैट वास स्काई नेबरिंग माउंटेन ऑफ मिल्क स्नो. जो क्या थी? कहाँ से आए थे? अब उसका एटमोसफेयर का यहाँ पे एक्सप्लेन किया है पोएट ने कि वास्ट मीन्स बहुत विशाल स्काई थी. स्काई नेबरिंग माउंटेन मीन्स उसके आसपास, कॉकस के आसपास के जो माउंटेन थे उनकी जो स्काई थी वो बहुत ज़्यादा वास्ट थी. मीन्स बहुत ज़्यादा बड़े माउंटेन्स थे. ऑफ मिल्क स्नो मीन्स उन पर स्नो फैली हुई थी. क्रॉसिंग सो हाई, तो उन्होंने वहाँ से क्रॉस किया. दैट एज दे माउंट, जैसे ही वो उस पर चढ़े. दे पास, वहाँ से गुजरे. लॉन्ग फ्लॉक्स ऑफ ट्रेवलिंग बर्ड्स डेड ऑन द स्नो. तो इतना ज़्यादा मुश्किल रास्ता था, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वे, कि जो झुंड था, फ्लॉक्स किस लिए यूज होता है? बर्ड्स की झुंड के लिए फ्लॉक्स यूज होता है. तो वो जो फ्लॉक्स था जो ट्रेवल कर रहा था वो क्या, उस स्नो के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वे था. चॉक्ड बाई द एयर एंड स्कार्स कैन दे देमसेल्व्स. वो चॉक्ड मीन्स उनका दम घुट गया था एयर में. स्कार्स मीन मुश्किल से ही वो ये बता पा रहे थे. स्लैक देयर पास थ्रोट्स विद शुगर मलबरीज. अब वो जो आर्मी थी या फिर जो लोग आए थे काबुल से, वो कैसे थे? स्लैक मीन्स प्यास बुझाई उन्होंने अपनी. कैसे? क्योंकि बहुत मुश्किल रास्ता था तो वो पानी भी नहीं पी पा रहे थे और बहुत ज़्यादा कोल्ड था एटमॉस्फेयर. दैट्स वाई उनका जो पास्ट थ्रो था, उन्होंने जो शुगर मलबरीज थी, जो शुगर कैंडीज अपने साथ लेके आए थे, उन्हीं से वो अपनी प्यास बुझा रहे थे. इन सिंगल फाइल दे मूव एंड स्टॉप देयर ब्रेथ. और वो कैसे चल रहे थे? एक सिंगल फाइल. सिंगल फाइल का मतलब एक पंक्ति में, एक ही लाइन में वो चले जा रहे थे. ऐसा नहीं कि यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ऐसे नहीं था. पूरे सिंगल फाइल में थे. दे मूव एंड स्टॉप देयर ब्रेथ. और उन्होंने जहाँ उनको लगा कि यहाँ पे उन्हें अपनी ब्रेथ रोक लेनी चाहिए, वहाँ पे उन्होंने अपनी ब्रेथ रोक दी. फॉर फियर दे शुड डिसलॉज द ओवर हैंगिंग स्नोज. उनको ये डर था कि वो क्या कर देंगे, इस जगह से बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं. डिसलोज मीन्स बाहर निकलना उस जगह से. कहाँ से? द ओवर हैंगिंग स्नोज, जो उनके ऊपर लटक रही थी. मीन्स इस माउंटेन के ऊपर अगर वो यहाँ चढ़ रहे तो यहाँ पे जितनी भी स्नोज थी उन सब से वो उनको डर था और वहीं पे वो अपनी ब्रेथ रोक रहे थे. सो द पेल पर्सियंस हेल्ड देयर ब्रेथ विद फियर. और इसीलिए जो पर्सन्स जो आए थे आर्मी में बैटल फील्ड में,
वो पेल मीन्स येलोइश कलर हो गया था। उन्होंने अपनी ब्रेथ रोकी थी किसकी वजह से, फियर की वजह से। एंड टू फरूद हिज ब्रदर चीप्स केम अप। और यहाँ पे फरूद है जो लीडर है पर्शियन आर्मी का, वो और उसके जो ब्रदर है वो कौन है, चीफ है, वो भी आए टू काउंसिल, काउंसिल के लिए एक मीटिंग के लिए। वो कौन कौन थे, उनके ब्रदर गुडरूज एंड जोरा। गुडरूज जो है वो पर्शियन चीफ है, यहाँ फरूद है उसकी जो रैंक है वो थोड़ी नीचे है, जबकि गुडरूज है उसकी हाई रैंक है पर्शियन आर्मी में। केम एंड फेराब्रूज इज ऑल्सो द लीडर ऑफ दिस आर्मी हु रूल द पर्शियन होस्ट। जिसने क्या किया था, जो इस आर्मी को होस्ट कर रहा था, मीन्स उसके अंदर में ही सारी की सारी आर्मी थी पर्शियन की। सेकेंड एंड वॉज द अंकल ऑफ किंग, और वो क्या था, अंकल लगता था किसका, किंग का, जो पर्शियन आर्मी का जो किंग है उसका जो अंकल है वो कौन है, फेराब्रूज। दीज केम एंड काउंसल्ड एंड देन गुडरूज सेड, ये सब के सब आए थे काउंसिल के लिए, तभी गुडरूज ने बोला, फरूद शेम बिड्स अस टेक देयर चैलेंज अप। कि फरूद ये क्या है, एक बहुत शेम की बात है कि हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, येट चैम्पियन हैव वी नन टू मैच दिस यूथ। जबकि हमारे पास में जो चैम्पियन है वो क्या है, यूथ का है और इनको कोई भी मैच नहीं कर सकता। ही हैज़ द वाइल्ड स्टेज फोट, और वो क्या है, अब यहाँ पे प्रेज कर रहा किसके बारे में, जो दूसरी आर्मी का है मीन्स सोराब की, यहाँ पे प्रेज हो रही है कि ही हैज़ द वाइल्ड स्टेज फूट, या स्टेज का मतलब होता है हम बोल सकते हिरन जो हिंदी में होता है, लेकिन यहाँ पे वाइल्ड स्टेज फूट का मतलब है बहुत ज़्यादा फुर्तीला हो, जिसमें बहुत ज़्यादा जोश हो, द लॉयंस हार्ट, और उसके पास में क्या है, लॉयन का हार्ट, मीन्स बहुत ज़्यादा ब्रेव है। बट रुस्तम केम लास्ट नाइट, लेकिन रुस्तम है वो क्या आया है, लास्ट नाइट में ही आया है। अलूफ ही सिट्स, अलूफ मीन्स अलग, सेपरेट ही वो बैठा हुआ है। एंड सलन मीन्स बहुत ज़्यादा सैड है। एंड हैज पीस्ड हिज टेंट सपाट, और वो क्या है, पीस्ड मीन्स झुका हुआ है, उसका जो टेंट है वो अलग ही दिखाई दे रहा है। हिम विल आई सीक, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। एंड कैरी टू हिज ईयर, और ये बात मैं उसके ईयर तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्या है, द टार्टर चैलेंज, कि टार्टर्स ने हमें चैलेंज किया। एंड दिस यंग मैनस नेम, और इस यंग मैन का नाम है हैपली, मीन्स शायद ही विल फॉरगेट हिज रैथ, जिस वजह से शायद वो क्या भूल जाए, अपना जो रैथ है मीन्स जो क्रोध है वो भूल जाए एंड फाइट करने लगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि वाई रुस्तम इज सो सैड एंड ही इज एंगर्ड। सो यहाँ पे बात है कि जो किंग है पर्शियन आर्मी का वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है और कोई भी मौका नहीं छोड़ता रुस्तम को नीचा दिखाने में, और वो उसको इतना प्रेफरेंस नहीं देता, जिस वजह से क्या है, जो रुस्तम है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो नहीं चाहता बैटल फील्ड में जाना। तो यही रीज़न है कि वो बहुत ज़्यादा सैड है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। स्टैंड फॉर द वाइल्ड एंड टेक देयर चैलेंज अप, कि वो क्या करे, खड़ा हो आगे की तरफ और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। सो स्पैक ही, और वो कह ही रहा था, एंड फरूद स्टूड फोर्थ, तभी फरूद है वो आगे की तरफ खड़ा हुआ। एंड क्राइड, चिल्लाया, ओल्ड मैन बी इट एग्रीड एज दाउ हैज दैट सेड। ओल्ड मैन, क्या वो एग्री होगा, दाउ हैज सेड, दाउ मीन्स यू, हैज का मतलब हैज सेड, जो तुमने कहा है उस पर क्या वो एग्री होगा। लेट सोराब आर्म, कि क्या है, तैयार होने दो सोराब को, है मीन्स आर्म मीन्स जो बैटल फील्ड में जाने के लिए जो भी क्लोथ पहने जाते हैं उन सबको, उसको प्रिपेयर होने दो। एंड वी विल फाइंड द मैन, और हम एक मैन ढूंढेंगे। ही स्पैक, वो बोल ही रहा था। एंड परान वीजा टर्न्ड, तभी परान वीजा है मुड़ा। एंड स्ट्रोड मीन्स स्ट्रोड का मीन्स जो उसका हॉर्स था उस पर वो सवार हो गया और वो वहाँ से चला गया। बैक थ्रू द ओपनिंग स्क्वाड्रन टू हिज टेंट, वो अपने टेंट की तरफ चला गया, अपने जो स्क्वाड्रन मीन्स ओपनिंग मीन्स यहाँ पे भी आर्मी है और यहाँ पे भी आर्मी है, यहाँ से कौन परान वीजा चला गया। बट थ्रू द एनेक्सियस
पर्सियंस गुडरोज रेन। लेकिन क्या हुआ कि जो बहुत ज़्यादा चिंतित था वो कौन था, गुडरोज। वो दौड़ा एंड क्रॉस द कैंप विच ले बिहाइंड एंड रीच्ड, जो उसने क्रॉस किया उस कैंप को जो उसके पीछे था एंड पहुंचा आउट वन आउट ऑन द सैंड्स बियॉन्ड इट, जो कहाँ था सैंड्स मीन्स बालू के जो टीला है उसके पीछे था रुस्तम्स टेंट। किस तरफ दौड़ा, रुस्तम के टेंट की तरफ। ऑफ स्कारलेट क्लॉथ देवर, वो कैसे था, जो टेंट था वो था स्कारलेट। स्कारलेट होता है जो गहरा डार्क रेड होता है उसको बोला जाता है स्कारलेट कलर। तो उस क्लॉथ में वो टेंट था उसका। देवर एंड ग्लिटरिंग गे, और वो क्या थे, ग्लिटरिंग मीन्स चमक थी उनमें, गे मीन्स बहुत खुशी से। ये दे किन के लिए आया, वो जो आर्मी जो भी काउंसलिंग के लिए बैठे हुए थे उनके लिए ये यूज हुआ है। जस्ट पीस्ट द हाई पेवलियन इन द मिडस्ट, जस्ट पीस्ट मतलब वो झुका हुआ था और वहाँ से दिखाई दे रहा था किसका टेंट, रुस्तम का टेंट। वो कैसा था, हाई पेवलियन, पेवलियन मीन्स तंबू, जो खेमा होता है अब आर्मी का, उसमें वो सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा था। इन द मिडस्ट मीन्स बीच में, वॉज रुस्तम्स, वो किसका था, रुस्तम का। एंड हिज मैन ले कैम्प्ड अराउंड, और उसके जो मैन थे मीन्स उनके साथ के जो बैटल फील्ड में जाने के लिए प्रिपेयर थे वो सब उसके आर बार के मीन्स यहाँ अराउंड में थे। एंड गुडरोज एंटर्ड रुस्तम्स टेंट, और तभी गुडरोज है वो रुस्तम के टेंट में एंटर हुआ एंड फाउंड रुस्तम, और उसने रुस्तम को पाया। हिज मॉर्निंग मील वॉज डन, उसकी जो मॉर्निंग के जो ब्रेकफास्ट था वो ख़त्म हो चुका था। बट स्टिल द टेबल स्टूड बिफोर हिम, लेकिन तभी फिर भी टेबल वहाँ लगी हुई थी और वो उसके सामने खड़ा था। चार्ज्ड विद फूड मीन्स उस टेबल पे बहुत सारा फूड था। अ साइड ऑफ रोस्टेड शीप, उस टेबल पे क्या क्या था, एक साइड में रोस्टेड शीप थी, केक ऑफ ब्रेड था मीन्स ब्रेड रखी हुई थी, एंड डार्क ग्रीन मेलन्स, जो मेलन थे फ्रूट थे वो रखे हुए थे। एंड देयर रन सेट, और वहाँ पे जो रुस्तम है वो सेट मीन्स बहुत संतुष्टि से बैठा हुआ था, चुपचाप बैठा हुआ था। लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब होता बेपरवाह सा या लापरवाह था, लिस्टलेस। एंड हेल्ड ए फैल्कन, और उसने अपने हाथ में क्या ले रखा था, फैल्कन मीन्स एक बाज जो उसका शायद पेट हो, ऑन हिज रिस्ट मीन्स अपने रिस्ट पे क्लाई पे ले रखा था। एंड प्लेड विद इट, और वो उसके साथ खेल रहा था। बट गुडरोज केम एंड स्टूड, और लेकिन गुडरोज आया और वो वहाँ पे खड़ा रहा बिफोर हिम उसके सामने। एंड ही लुक्ड, और उसने देखा। एंड सो हिम स्टैंड, उसे खड़े हुए किसने देखा यहाँ पे, जो रुस्तम है उसने। एंड विद अ क्राई स्प्रैंग अप, तभी उसको एक क्राई मीन्स एक चीख आई जो वहाँ स्प्रैंग मीन्स फैल गई। एंड ड्रॉप्ड द बर्ड, और तभी वो जो बर्ड है वो नीचे गिर गया। एंड ग्रीटेड गुडरोज विद बोथ हैंड्स, तभी उसने रुस्तम ने उसको अपने दोनों हाथों से ग्रीट किया। एंड सेड, और बोला, वेलकम दीज आइज कुड सी नो बेटर साइट, वेलकम ये जो आइज हैं वो तुम्हारे अलावा मीन्स कोई भी अच्छी चीज़ नहीं देख सकती। मीन्स उसको बहुत फ्लैटर कर रहा है, व्हाट न्यूज़, क्या न्यूज़ है, बट सिट डाउन फर्स्ट एंड ईट एंड ड्रिंक, लेकिन पहले तुम बैठ जाओ और यहाँ पे ईट एंड ड्रिंक करो। बट गुडरोज स्टूड इन द टेंट डोर एंड सेड, लेकिन गुडरोज है वो वहाँ पे खड़ा रहा उस टेंट डोर में। एंड सेड, नॉट नाउ अ टाइम विल कम टू ईट एंड ड्रिंक, अभी नहीं टाइम आएगा ईट एंड ड्रिंक का, बट नॉट टू डे हैज़ अदर नीड्स, लेकिन आज नहीं, आज बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। द आर्मीज आर ड्रॉन आउट, जो आर्मी है वो क्या हो गई, ड्रॉन आउट का मीन्स रुक गई, स्टॉप हो गई। एंड स्टैंड एट गेज, और वो क्या है, देख रही है किसका, वेट कर रही है फॉर फ्रॉम द टार्टर इज अ चैलेंज ब्रोट, किस लिए, कि टार्टर्स ने उनके लिए एक चैलेंज लेके आए हैं टू पिक अ चैम्पियन फ्रॉम द पर्सियन लॉर्ड्स, की क्या करे, एक चैम्पियन को लेके आए किसमें से, पर्सियन जो लॉर्ड्स हैं उनमें से, टू फाइट देयर चैम्पियन, वो फाइट कर सके उसके चैम्पियन से। एंड दाउ नोएस्ट हिज नेम, और तुम उसका नाम जानते हो, वो क्या है, सौराब, मैन कॉल हिम, जो लोग हैं उसको सौराब बुलाते हैं। बट हिज बर्थ हिज हेड, लेकिन उसका बर्थ है वो क्या है, हिड है मीन्स किसी को नहीं पता। और रुस्तम, लाइक दाई माइट इज दिस यंग मैन, तुम क्या हो उस
यंग मैन की तरह हो, ही हैज़ द वाइल्ड स्टेज फूट, कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, द लॉयंस हार्ट, उसके क्या है, लॉयन का हार्ट है, मीन्स बहुत ब्रेव है, एंड ही इज़ यंग, बहुत ज़्यादा यंग है, एंड ईरान चीफ्स आर ओल्ड, लेकिन क्या हो गए, जो ईरान के चीफ हैं वो क्या हो गए, अब ओल्ड हो गए, और एल्स टू वीक, या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, एंड ऑल आईज टर्न टू दी, तभी क्या है, सारे के सारे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि तुम इतने ही ज़्यादा ब्रेव हो, और तुम क्या करोगे, फाइट करोगे, कम डाउन एंड हेल्प अस, नीचे आओ और हमारी हेल्प करो, रुस्तम और वी लूज, नहीं तो हम क्या कर जाएंगे, लूज कर जाएंगे, हम हार जाएंगे। ही स्पोक बट रुस्तम आंसर्ड विद अ स्माइल, उसने बोला, लेकिन रुस्तम ने हंसते हुए आंसर दिया, गो टू इफ ईरान्स चीफ आर ओल्ड, जाओ अगर ईरान का चीफ अगर ओल्ड हो गया, देन आई एम ओल्डर, तो मैं क्या हूँ, उससे भी ज़्यादा ओल्ड हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। इफ़ द यंग आर वीक द किंग एयर स्ट्रेंजली, अगर यंग है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ये जो किंग है वो गलती कर रहा है, कैसे, स्ट्रेंजली मीन्स असाधारण रूप से, फॉर द किंग, किंग के लिए, फॉर काई खोसरो, अब ये जो नेम आया है, ये जो करेक्टर, ये कौन है, पर्शियन किंग है कई खौसरो, और ये क्या है, हमेशा अफ्रेड रहता है रुस्तम की पावर से, और कोई भी मौका नहीं छोड़ता जब वो रुस्तम और उसके फादर को जलील करने या फिर इंसल्ट करने का ट्राई नहीं करता हो, और वो हमेशा प्रेफर करता है कि उनको जो यंग वॉरियर है उनको, जबकि रुस्तम को कोई भी प्रेफरेंस नहीं देता या उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता, और बहुत ज़्यादा क्रूअल है इस टाइम पे, जबकि जो जैल है मीन्स जो फादर हैं रुस्तम के, उसने और रुस्तम ने ही उसको गद्दी पे बिठाया था, थ्रोन पे, उसकी वजह से ही वो बैठा था, तो उसके लिए यहाँ यूज हुआ है कई खौसरो, कि वो क्या है, हिमसेल्फ इज यंग, वो खुद ही बहुत ज़्यादा यंग है, एंड ऑनर्स यंगर मैन, वो आदर करता है यंगर मैन का, एंड लेट्स द एज्ड मोल्डर टू देयर ग्रेव, जबकि क्या करने दो, जो बूढ़े हैं उनको मोल्ड मीन्स रहने दो उनके ग्रेव्स में, मीन्स उनकी कोई भी पहचान नहीं है, उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे आयरोनिकल स्टेटमेंट है रुस्तम का, रुस्तम ही लव्स नो मोर बट लव्स द यंग, रुस्तम को वो प्यार नहीं करता, जबकि वो किससे प्यार करता है, यंग लोगों से, यंग वॉरियर से। द यंग मे राइज एट सौरव स्वांट, जो यंग हैं वो क्या करेंगे, वो उतने ही ज़्यादा ब्रेव होंगे जितने सौरव स्वांट, सौरव की जो प्रशंसा है, जितनी ब्रेवरी की बातें होती है उतनी ही शायद जो यंग वॉरियर्स है उनकी भी प्रशंसा होगी, और वही क्या है, इम्पोर्टेंट है, और उन्हीं को तुम चैम्पियनशिप के लिए ले जा सकती हो। नोट आई, मैं वैसा नहीं हूँ। फॉर वॉट केयर आई, मैं किस लिए केयर करूँ, दो ऑल स्पीक सौरव सेम, जबकि सबके सब किसकी फेम की बात करें, सौरव की फेम की बात करें। फॉर वुड दैट आई माई सेल्फ हैड सच अ सन, यहाँ आयरोनिकल स्टेटमेंट है कि यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे यूज हुआ है ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी का मतलब यहाँ पे है कि जो रुस्तम है वो अपने फेट की बात कर रहा है, कि वो भी सौरव की तरह ही जब वो यंग था तब वो इतना ही ब्रेव था, उसकी फेम की भी बातें होती थी, और वो भी वैसा ही सन था, लेकिन फेट ने क्या कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, वो क्या हो गया, ही इज़ ओल्डर नाउ, एंड नोट दैट वन स्लाइट हेल्पलेस गर्ल आई हैव, और ना ही मैं वो हूँ जिसके क्या हो, एक हेल्पलेस गर्ल हूँ, ऐसा मैं नहीं हूँ। अ सन सो फेम्ड सो ब्रेव टू सेंड टू वॉर, एक सन था जो बहुत ज़्यादा फेम था, मीन्स हर कोई उसका प्रेज करता था, बहुत ज़्यादा ब्रेव था, और उसको वॉर पे भेजा जाता था। एंड आई टू टैरी विद द स्नो हेयर जेल, लेकिन मैं क्या हूँ, टैरी मीन्स रुका हुआ हूँ, स्टॉप हूँ, किसके साथ, स्नो हेयर मीन्स ग्रे हेयर, मीन्स जो वाइट हेयर हैं, जब वो बूढ़ा हो गया, कौन, जेल, जेल कौन है, रुस्तम का फादर, उसके साथ में वो रुका हुआ है। माय फादर हुम द रोबर अफगान वैक्स, जिसको जो रोबर्स थे अफगान के, उन्होंने वैक्स मीन्स परेशान किया, एंड क्लिप हिज बॉर्डर्स शॉर्ट, और उसके जो बॉर्डर्स थे मीन्स उसका जो जहाँ पे राज्य था उसको क्या कर दिया, क्लिप में छोटा कर दिया, एंड ड्राइव हिज हर्ड्स, और उसकी जो जो मीन्स जितने भी झुंड थे मीन्स शिप
शीप्स वगैरह थी या एनिमल जितनी भी थे उनके जो हॉर्स थे उनको सबको वहाँ से भगा दिया. एंड ही हैज़ नन टू गार्ड हिज वीक ओल्ड एज, और उसके पास में कोई भी गार्ड नहीं बचा जो उसके उसकी हेल्प करे, उसके वीक ओल्ड एज में उसकी हेल्प करे, ऐसा कोई नहीं बचा. देयर वुड आई गो एंड हैंग माई आर्मर अप, क्या मैं जाऊँ और मेरे आर्मर्स जो है उसको लेके, एंड विद माई ग्रेट नेम फैंस दैट वीक ओल्ड मैन, और जो क्या करे, जो मेरा जो ग्रेट नेम है जो फेंस मीन्स डिफेंड करे उस ओल्ड मैन को, मीन्स यहाँ पे जेल के बारे में है, जेल द फादर ऑफ रुस्तम, एंड स्पेंड द गोडली ट्रीजर्स आई हैव गोट, और मैं क्या करूँ, मीन्स उसका एक ही मोटिव है कि वो अपने जितना भी टाइम उसके पास बचा है वो अपने फादर के साथ स्पेंड करे, तो मैं उस अपना जो अच्छा ट्रेजर है उसके पास जितना भी खजाना है जितना भी उसने पाया है वो स्पेंड करे किसके साथ में, ओल्ड मैन के साथ में, एंड रेस्ट माई ईज एंड हियर ऑफ सौराब्स फेम, और मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में रेस्ट करूँ और सुनूँ सौराब के फेम के बारे में, एंड लीव टू डेथ द होस्ट ऑफ थैंकलेस किंग्स, और छोड़ दूँ उस को किसको जो थैंकलेस किंग है, मीन्स जिसने कभी रेस्पेक्ट नहीं दी, हम एहसान फरामोश रहा, उसको उसके हाल पे ही छोड़ दूँ, उसको मरने के लिए छोड़ दूँ, एंड विद दीज स्लोटरस हैंड ड्रो सोर्ड नो मोर, तो मैं क्या करूँगा मेरे जो स्लोटरस हैंड है मीन्स जो बुचर कर देते थे मीन्स ब्रेवरी दिखाते थे वो अब सोर्ड नहीं उठाएंगे, मीन्स अब तलवार नहीं उठाएंगे. He spoke and smiled and Gudruj made reply. उसने बोला और उसने smile किया, तभी Gudruj ने reply किया, What then, O Rustam, will man say to this? कि तब क्या होगा Rustam, लोग क्या कहेंगे, When Sohrab dares our bravest forth, जब Sohrab इतना ज़्यादा brave होगा हमारे सामने, And seek, और देखेगा the most of all, कि तुम क्या हो, सबसे ऊपर हो, एंड दाउ यू हूम मोस्ट ही सीक्स, जिसको वो क्या कर रहा हो, सीख कर रहा, मीन्स जिस जिसके ऊपर या फिर जिस जिसकी ब्रेवरी के पीछे वो कुछ भी नहीं है वो ही क्या करेगा, डेयर करेगा, और तुम क्या करोगे, बैठे बैठे देखोगे, हिडेस दाई फेस, तुम क्या करोगे, तुम क्या अपने आप को चेहरा छुपा लोगे, जब क्या है तुम देखोगे कि सौराब ने सब सब जो हमारे सोल्जर्स को मार दिया फिर या फिर वो चैम्पियन बन गया. टेक हीड लेस्ट मैन शुड सी, टेक इट मीन्स ध्यान दो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे लाइक सम ओल्ड माइजर रुस्तम हॉर्स हिज फेम, कि कैसे एक ओल्ड माइजर की तरह, एक कंजूस की तरह रुस्तम ने क्या किया, होर्ड मीन्स जमा की अपनी जो फेम है अपनी जो ब्रेवरी है उसको इकट्ठा की, एंड सन्स टू पैरिल इट विद यंगर मैन, और सन मीन्स छोड़ देना, टू पैरिल, पैरिल मीन्स संकट में, इस संकट में छोड़ दिया जो उसके यंगर मैन थे, मीन्स उससे जो यंगर थे उन सबको इस संकट की घड़ी में छोड़ दिया और अपना फेम उसने होल्ड किया, मीन्स इस तरीके से आयरनी कर रहा है Gudruj, सो दैट ही कैन बी राजी हो जाए और जिस वजह से वो बैटल फील्ड में जा पाए. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे.